हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल होम गुरु। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ लोग आप में से कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे कि उनके पाँव जो हैं वो समर्स में खासतौर पे बहुत ज़्यादा फटे और जैसे फंगल इन्फेक्शन होती है वैसे हो जाते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी और पर्सनली भी काफ़ी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो बस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो खुश्क और कटे फटे पाँव होते हैं ये आपकी अपनी बॉडी की तरफ अटेंशन ना होने को जाहिर करते हैं और खूबसूरत पाँव पर्सनैलिटी के इजहार में एक मुस्बत किरदार अदा करते हैं। लिहाजा हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पाँव की स्किन ड्राई होती है और इसके अलावा पाँव जो है वो चलते फिरते हमारा बोझ भी उठाते हैं। तो अगर पैरों की प्रॉपर केयर ना की जाए तो ऑयल्स की कमी होने की वजह से पाँव की स्किन क्रैक्ड हो जाती है और जो लोग ज़्यादा लंबे अरसे तक पाँव की केयर नहीं करते उनके पाँव में क्रैक्स के साथ कट्स और जख्म भी हो जाते हैं और कुछ लोगों के फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं। इसके साथ साथ पोल्यूशन, ड्राइनेस और मॉइस्चराइजेशन की कमी की वजह से पैरों की हालत खराब हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको दवाइयां ऐसी खानी पड़ती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स में ड्राइनेस होती है, जैसा कि थायराइड, एक्जिमा, डायबिटीज और आर्थराइटिस वगैरह। व्यूअर्स, इसके अलावा आपकी बॉडी में विटामिन ई, आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी ड्राइनेस कॉज कर सकती है। जी तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं जो भी रेमिडीज बताऊंगी और पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप अपने पैरों की केयर किस तरह कर सकते हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगी जिनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, जिनके पैरों के नीचे क्रैक्स हैं और इसके अलावा जिनकी स्किन पैरों की बहुत ज़्यादा ड्राई है, कट्स वगैरह जिनके अक्सर आ जाते हैं या किसी भी किस्म का फंगस वगैरह का इशू है। व्यूअर्स, पैरों को खूबसूरत, नर्म, मुलायम और जाज़बे नज़र बनाने का जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी जो भी रेमिडीज मैं यूज़ करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पाँव की स्किन ज़्यादा ड्राई है, डल है। इसके अलावा मेरी जो एड़ियाँ हैं वो भी फटी हुई हैं और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्किन जो है पाँव की वो भी टैन है, जूतों के निशानात हैं, जूतों की वजह से कुछ एरिया जो है वो क्लियर है, कुछ एरिया जो है वो डल है, ठीक है। इसके अलावा पाँव की एड़ियाँ जो है वो फटी हुई हैं और देख सकते हैं कि आप इन पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। व्यूअर्स, ऐसा होता है मेरे साथ कि जैसे ही सर्दियों का मौसम चेंज होता है मेरे पाँव की स्किन जो है वो कुछ ऐसी हो जाती है, जो फिंगर्स हैं उनके नीचे अजीब ड्राइनेस और कट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर ऐसा भी होता है जब मेरा जूता चेंज होता है, जूता भी कम्फर्टेबल ना हो तो उसकी वजह से भी आप रिलेट कर सकते हैं आपका क्या इशू है। तो ये जूता कम्फर्टेबल ना होने की वजह से भी कुछ लोगों को हो जाता है। कुछ लोग जिनकी हेक्टिक बहुत रूटीन होती है, बहुत ज्यादा उनको चलना फिरना पड़ता है, चल फिर के काम करने पड़ते हैं, धूप में अगर आप बहुत ज्यादा चलते फिरते हैं तो आपके पाँव कुछ इस तरह से हो सकते हैं। सिर्फ यही वजह नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होता है कि वो कोई भी काम नहीं करते हैं तो फिर भी उनके पाँव खराब होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि वो लोग पाँव की केयर नहीं करते हैं। अगर आप हर वीक में दो बार पूरा पेडिक्योर कर लें तो आपके पाँव बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लाइव देखेंगे कि जो तीन स्टेप मैं बताऊंगी उनकी मदद से आपके पाँव बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और स्मूथ हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं कि जो कट्स और मेरे फिंगर्स के नीचे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ये एक ही बार इन रेमेडीज के इस्तेमाल से पहली ही बार में 90% तक मेरे पाँव क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि अक्सर ऐसा भी होता है कि अभी तो मेरे पाँव के नीचे कट्स नहीं है, जब भी इन्फेक्शन या मेरे पाँव बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो नीचे कट्स भी फिंगर्स के नीचे पड़ जाते हैं। इन तमाम चीजों का बहुत जबरदस्त मेरे पास आज सोल्यूशन है। व्यूअर्स, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, किसी भी टब में आप नीम गर्म पानी ले लें, पानी थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो, इतना कि आपकी स्किन पानी को बर्दाश्त कर ले, ठीक है। पानी इतना हो कि आपके पाँव उसमें डिप हो जाएं, क्योंकि अगर पानी आप ज्यादा लेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स भी ज्यादा डालने पड़ेंगे, इसलिए पानी आपका इतना ही होना चाहिए कि बस आपके पाँव डिप हो जाएं। तो सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून शावर जेल, आप ऐड कर सकते हैं या शैम्पू ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद आप ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून लेमन। लेमन जो है वो आपके पैरों की स्किन को बहुत ज्यादा पेयर करेगा क्योंकि इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के पाँव के नीचे क्रैक्स हैं या कट्स वगैरह पड़ चुके हैं वो लोग लेमन बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि इससे
इरिटेशन और चुभन होगी। जिन लोगों के पाँव के नीचे कट्स हैं, वो एप्पल साइडर विनेगर के 2 टेबलस्पून इस पानी में ऐड कर दें। ठीक है व्यूअर्स, मैं यहाँ पे दोनों चीजें ऐड कर रही हूँ, लेमन भी और एप्पल साइडर विनेगर भी, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे एक तो फंगल इन्फेक्शन है, तो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो मेरे पैरों की जो इन्फेक्शन है उसको क्योर करेगा। और लेमन मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो मेरे पैरों की स्किन है वो नीट हो जाए। इसके बाद आप ऐड कर लें 1 टेबल स्पून सॉल्ट। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और आप इस पानी के अंदर 15 से 20 मिनट के लिए अपने पाँव अच्छी तरह डिप करके रखें। इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपके पाँव की जो स्किन है वो नरम हो जाएगी और डर्ट वगैरह उतारने के लिए आपकी स्किन जो है वो रेडी हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, अब 15 मिनट मैंने अपने पाँव डिप करके रखे हैं, तो पाँव मेरे जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं। उनकी स्किन जो है वो हार्ड जो स्किन थी, ड्राइनेस वगैरह थी, वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। व्यूअर्स, अब आपने क्या करना है कि जो भी आपके पाँव की डेड स्किन है, जो हार्ड स्किन है, उसको सॉफ्ट करना है किसी भी स्क्रबर की मदद से। मैं यहाँ पे ये वाला स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जो आपके घरों में मिट्टी का स्क्रबर होता है, जो कि हर किसी के घर में अमूमन होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सख्त है। स्किन जो है वो सॉफ्ट है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लोफा की मदद से भी स्किन को स्क्रब करके डेड स्किन को निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों के भी इसी तरह मेरी तरह पाँव के नीचे बहुत ज़्यादा कट्स और ड्राई स्किन है, आपने एक एक फिंगर के नीचे बहुत अच्छे से डेड स्किन को रिमूव करना है फिंगर्स के दरमियान से, क्योंकि ये स्क्रबर बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसी की मदद से आप पाँव के ऊपर से भी अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो हमारे घरों में मिट्टी का स्क्रबर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर अभी मैं वो यूज़ कर रही होती तो मेरे पाँव जो है वो बस 2 सेकंड में बिल्कुल नीचे से डेड स्किन रिमूव हो जानी थी, लेकिन क्योंकि मैं ये यूज़ कर रही हूँ इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जी तो डेड स्किन मैंने रिमूव कर ली है। व्यूअर्स, इसके साथ आपने क्या करना है, किसी भी एक्स्ट्रा ब्रश जो आपके घर में टूथ ब्रश होता है उसकी मदद से पाँव के जो नेल्स हैं उनके इर्द गिर्द से डस्ट वगैरह रिमूव कर लेनी है। आपने नेल्स को कट कर लेना है, अब जो भी शेप देना चाहें आप दे लें। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने नेल्स काट रही हूँ। नेल्स को काट लें, जो भी शेप देना चाहें, जितनी लेंथ रखना चाहें रख लें। ठीक है, इसके बाद नेल्स काटने के बाद बफर का इस्तेमाल कर लें नेल्स के ऊपर और इसके साथ साथ नेल्स को फाइल कर लें। व्यूअर्स, अब बारी आती है पैरों की स्किन को चमकाने की, जिसमें हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो कि आपके पाँव की स्किन को नरम और मुलायम और जाज्बे नज़र बनाएंगे और आपके पाँव को स्मूथ और सिल्की बना देंगे और जो आपकी ड्राई और डेड स्किन है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर और सॉफ्ट हो जाएगी। तो जो पहला स्टेप है वो स्क्रबिंग का, जिसमें पाँव में जमी गंदगी और मैल वगैरह बाहर निकल आएगी। तो इसके लिए हम अपना घर में ही स्क्रबर तैयार करेंगे, कोई भी केमिकल बेस्ड चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ राइस फ्लावर। व्यूअर्स, ऐसा है कि हमने यहाँ पे स्क्रबिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा पाउडर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पे घर में ही पीसा है। तो इसमें यह है कि थोड़ा दाना दाना आएगा जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देगा। इसके अलावा आपने लेना है घर का ही एलोवेरा जेल, उसमें से एलोवेरा का जो जेल है वो निकाल लें किसी भी स्पून की मदद से। और तीसरा जो चीज़ है वो हमें चाहिए हनी, जो कि आपके पैरों को नरम और मुलायम बना देगी और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। चावल का जो आटा है उसका लिया है मैंने 1 चम्मच और उसके अंदर 1 टीस्पून जो है मैंने हनी का ऐड किया है। और इसके साथ साथ अब यहाँ पे 2 टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं एलोवेरा जेल। बस तो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लेना है। मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा आपका थिक सा पेस्ट देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुका है। ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। जिन लोगों की स्किन पे इन्फेक्शन वगैरह भी हुआ है उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन पे इचीनेस या रैशेस वगैरह कर दे। तो बस जल्दी से इसको अप्लाई कर लेते हैं। स्किन को आपने स्क्रबर की मदद से साफ़ किया है तो उसके ऊपर आप इसके पेस्ट लगा दें और सर्कुलर मोशन में आपने बहुत अच्छे से 15 मिनट तक अपने पैरों को स्क्रब करना है, एक्सफोलिएट करना है।
मैंने यहाँ पे दोनों पैरों पे इसका लेप लगा दिया है और अब मैं अपने पैरों को एक्सफोलिएट करूंगी। व्यूअर्स, आपने भी ऐसे ही करना है, पैरों के ऊपर से, पैरों के नीचे से, फिंगर्स के दरमियान। आपकी हील्स जो है फटी हुई हैं, जिन लोगों की फिंगर्स के नीचे से क्रैक्स वगैरह हैं या फटी हुई हैं, आपने उन तमाम जगहों पे बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करना है। और इसमें जो मैंने हनी ऐड किया है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, तो जो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो चुकी है उसको भी नॉर्मलाइज करेगा। व्यूअर्स, 15 मिनट के लिए मैंने अपने पैरों को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि पाँव के नीचे जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो मेरी हील्स पे ड्राइनेस थी और जो फटी हुई थी वो भी स्मूथ हो चुकी हैं, और इसी तरह मेरे जो फिंगर्स हैं पाँव के नीचे वो भी स्मूथ हो चुकी हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो इसमें आपने शहद ऐड किया है वो आपकी स्किन को मक्खन मलाई बना देगा, तो स्क्रब करने के बाद आपकी स्किन में आपको वाज़े फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, स्क्रबिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव जो हैं वो मक्खन मलाई बन चुके हैं। तो अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मसाज क्रीम या मास्क उसे कह सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से मैंने बहुत अच्छे से अपनी स्किन को मसाज करना है और स्किन को मॉइस्चराइज करना है। इस स्टेप में आपको चाहिए होगी हल्दी, यानी कि टर्मरिक, जो कि सबको पता है हाईली इफेक्टिव है जब आपको इन्फेक्शन या फंगस वगैरह हुई हो, एंटीबैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वो ले रही हूँ हल्दी का, थोड़ा ज़्यादा ही मैंने ले लिया, लेकिन आपने 1/2 टीस्पून ही लेना है। और इसमें ऐड करेंगे हम योगर्ट, यानी कि दही ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच में दही के ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेना है। इस क्रीम को अपने पैरों पर लगा के, नेल्स के अराउंड, क्यूटिकल्स पर और हील्स पर आपने बहुत अच्छे से मसाज करना है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका तो सबको ही पता है, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो कि पैरों से फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया वगैरह को क्योर करेंगी, और दही जो है वो बॉडी पॉलिशिंग का काम करेगी, और इसमें इतनी चिकनाहट होती है कि आपके पाँव के नीचे जो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है वो सारी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी। तो दही जो है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर हमारा यहाँ पे साबित होने वाला है। तो व्यूअर्स, आपको मैं इसका लगाने का जो तरीका है वो बता देती हूँ। इस क्रीम को लगाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने पहले इसको पूरा, जैसे मास्क लगाते हैं मास्क की तरह लगा कर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, बस 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि इस क्रीम का जो असर है वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से हो जाए। और सिर्फ पाँव के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि हम अपनी फटी एड़ियों और पाँव की जो नीचे ड्राई स्किन है और जो नीचे फंगस वगैरह है उसको क्योर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपने अपने पाँव के नीचे, हील्स पे, फिंगर्स के नीचे, फिंगर्स के दरमियान, पूरे पाँव पे बहुत अच्छे से इसका लेप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। अगर कहीं ड्राई स्किन आपको लगे तो आप रोज वाटर या सिंपल वाटर भी अपनी स्किन पे लगा के तो उसके मदद से आप मसाज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मसाज शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैंने जो आलू है उसका एक पीस लिया है, उसकी मदद से मैं सर्कुलर मोशन से मसाज कर रही हूँ, क्योंकि आलू जो है वो बहुत अच्छा जो है वो एजेंट है स्किन को क्लियर और ब्लीच करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो टैन स्किन है मेरे पाँव के ऊपर उसको क्लियर करने के लिए पोटैटो की मदद से स्क्रब कर रही हूँ, लेकिन पाँव के नीचे ज़रूरी नहीं आप पोटैटो के साथ ही करें, वहाँ पे आप हाथों की मदद से, फिंगर्स की मदद से भी सर्कुलर मोशन में स्क्रब कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट का ये सेकेंड स्टेप होगा, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपना जो व्यूअर्स। अब मैं आपको बताऊंगी नाइट क्रीम बनाने का तरीका पैरों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके पुराने से पुरानी जो फटी एड़ियाँ हैं उनको भी ठीक कर देगी ये क्रीम।
व्यूअर्स, मैंने पर्सनली इसको ट्राई एंड टेस्ट किया है और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम है। आपके पाँव की जो स्किन है, जहाँ पे हार्ड आपकी स्किन हो जाती है, पाँव की फिंगर्स के नीचे, आपकी एड़ी पे, टखनों पे, इसके अलावा हाथों की जो नकल्स हैं और इसके अलावा आपकी जो कोहनी है वो नरम करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाईली इफेक्टिव एंड हाईली रिकमेंडेड क्रीम है। एकदम से आपके पैरों को नरम और मुलायम कर देगी और बच्चे बड़े सब यूज़ कर सकते हैं इसको। तो बस जल्दी से इसको मैं आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ। आपको सबसे पहले लेनी है एक बड़ा जो चम्मच है, आपने लेना है पेट्रोलियम जेली का या वैसलीन का आप ले लें, ठीक है। इसके अलावा आपने लेना है मोमबत्ती या बीसवैक्स ले लें, लेकिन मैं यहाँ पे मोमबत्ती यूज़ कर रही हूँ, कैंडल जो है उसको यूज़ करूँगी। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी आप भी कैंडल यूज़ करें, क्योंकि इसका रिजल्ट इफेक्टिव है। एक बड़ा चम्मच वैसलीन का लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल, दो बड़े चम्मच, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके पैरों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा और आपके पैरों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्योर भी कर देगा। और जिन लोगों की ड्राई स्किन का इशू है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र भी ये साबित होने वाला है। तो इसके अलावा जो हमारा फोर्थ इसमें इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल और जो है मस्टर्ड ऑयल, इन दोनों की मैंने इक्वल क्वांटिटी यानी कि दो बड़े चम्मच ही इसमें ऐड करूँगी। तो इसको बनाने का जो तरीका है उसकी तरफ अब बढ़ते हैं। जो कैंडल है उसको मिक्स करने के तीन तरीके हैं। आप चाहें तो आप माइक्रोवेव में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो डबल बॉइलिंग का जो मेथड होता है, जो कि मैं भी यहाँ पे करूँगी, उसकी मदद से भी आप इसको मेल्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है डायरेक्ट जो है वो आप मेल्ट कर दें, यानी कि डायरेक्ट आप किसी भी पैन में इसको डालें, बीस वक्स को या मोमबत्ती को, और उसको मेल्ट कर दें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डबल बॉइलिंग का मेथड ही यूज़ करें, थोड़ा टाइम लगता है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैन में पानी जो है वो अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें मैंने शीशे का जो बाउल है वो लिया है, शीशे का कोई भी बर्तन आप ले लें। इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल एंड 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, और उसके अंदर बीस वैक्स मैंने ऐड कर ली है। अब इसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, जैसे जैसे नीचे का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता जाएगा, उसकी हीट से ये अंदर से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। वैक्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सॉरी कैंडल ये मेल्ट होना शुरू हो गई है, या ऐसा ऐसा मेल्ट होके बिल्कुल ऑयल में मर्ज हो जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपकी जब बीस वैक्स मेल्ट हो जाए या कैंडल मेल्ट हो जाए तो आप इधर चूल्हे के ऊपर ही बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स कर दें जी। तो ये तकरीबन काफ़ी हद तक 70% मेल्ट हो चुकी है। उतनी देर हमारा जो इस क्रीम का एक और इंग्रेडिएंट है वो हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ फटकरी, सबके घरों में होती है, अगर किसी के पास नहीं है तो किसी भी पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएगी। क्रश करके इसका पाउडर यूज़ करना है इस क्रीम के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे उसको पीस लूँगी। आपने बिल्कुल उसको पाउडर के फॉर्म में बना देना है। व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके पैरों को सॉफ्ट और नरम मुलायम करने के लिए और आपके पैरों की इन्फेक्शंस वगैरह को रिमूव करने के लिए। तो बहुत बारीक जो है इसको आपने कर लेना है, पीस लेना है। और अगर आपको फिर भी डाउट है कि अगर इसमें पार्टिकल्स रह जाएंगे हार्ड वाले, तो आप इसको छान के भी क्रीम में यूज़ कर सकते हैं। हमारी कैंडल ऑयल के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो रही है, बस तकरीबन ये मेल्ट हो ही चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये मेल्ट हो चुकी है बीस वैक्स इसके अंदर। तो अब हमने क्या करना है, हम अपने जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो गरम गरम ऑयल है इसी के अंदर मिक्स कर देने हैं, इससे पहले कि ये ठंडा हो। जैसे ये ठंडा होगा ये बिल्कुल जम जाएगा, तो आपने इसको जमने से पहले पहले ही आप बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स करने हैं। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ ये ऑयल, जो वैसलीन हमने यहाँ पे ली थी वो ऐड कर देंगे। गरम गरम के अंदर ही आप ऐड करेंगे तो ये मिक्स होगी। आपने क्या करना है, आपने चूल्हे के ऊपर ही चीज़ें ऐड करनी है। मैंने क्योंकि वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने साइड पे लाके इन्हें ऐड किया है। और जो फटकरी का पाउडर था वो भी दो बड़े चम्मच यहाँ पे ऐड मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स 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 करना है इनको।
कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज अलग ना रह जाए, और ये गरम गरम के अंदर ही आपने मिक्स करना है। व्यूअर्स, ठंडा होने से पहले ही आपने इन तमाम चीजों को मिक्स कर देना है। व्यूअर्स, अब मैंने यहाँ पे एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड करना है। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सफेदे का तेल, जिसे यूकलिप्टस ऑयल भी कहते हैं, वो ऐड करूंगी, क्योंकि मेरे पैरों पे थोड़ी फंगल इन्फेक्शन भी है, तो उसको क्योर करने के लिए सफेदे का तेल बहुत अच्छा है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। 4 से 5 ड्रॉप्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे यूकलिप्टस ऑयल के ऐड कर दिए हैं। बहुत अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि ये जमना शुरू हो चुका है। तो बस फौरन से मैं इसको कंटेनर में ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने इसको स्टोर करके रखना है। व्यूअर्स, इस क्रीम को जो बनाने का सही तरीका है उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। सही तरीके से आप बनाएंगे तो ही जो है वो उसी तरह काम करेगी जैसे मुझे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। 2 से 3 महीने तक आप आराम से इस क्रीम को स्टोर करके रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर में स्टोर कर दें, कोई इशू नहीं है। व्यूअर्स, 2 बार ही इस्तेमाल करेंगे आप ये क्रीम और आपके पाँव जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। किसी भी किस्म की पुरानी से पुरानी फटी एड़ियां हैं वो आपकी जो है वो क्योर हो जाएंगी। मैंने इसके साथ में आपको एक टिप भी दे दूं कि आपके जो भी बर्तन इस प्रोसेस में यूज हुए हैं, आप उसी पैन के अंदर जो गर्म पानी है उसमें डिप करके इनको रख दें, ताकि वो धोने में आसानी हो, क्योंकि हर चीज के ऊपर जो आपकी कैंडल की वैक्स है वो जम जाएगी, तो उसको बाद में धोने में आपको इशू होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सारी चीजों को इस पानी में ही डिप कर रही हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा टिप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जी, हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है, तो इसको हम अब लगाएंगे, पैरों पे इस क्रीम को लगा लेंगे। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा थिक है और इसको निकालने में भी थोड़ा इशू आपको आएगा, लेकिन ये देखिए पैरों पे लगाते ही अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगी। कोई स्टिकीनेस इसकी आपको फील नहीं होगी, स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी फौरन से, और आपके पैरों के तमाम मसाइल जो है उसको खत्म करने के लिए हाईली इफेक्टिव है। व्यूअर्स, हमारे पाँव जो है वो गंदगी भी उनको लगती है, माहौल और सूरज के असरात से भी स्किन खराब होती रहती है। तो एक बार अगर आपके पाँव बिल्कुल ठीक हो जाए तो आप फिर इस क्रीम को अल्टरनेटिव डेज में भी लगा सकते हैं, ताकि जो आपकी स्किन हील हो चुकी है उसको मेंटेन आप किए रखें। पाँव की जो स्किन है वो भी क्लियर हो चुकी है, और नीचे से पाँव जो फटे हुए थे, फटी एड़ियां थी, फिंगर्स जो थी मेरी क्रैक पे आए हुए थे, वो सारा स्मूथ सॉफ्ट हो चुका है। आपके सामने रिजल्ट है। व्यूअर्स, इस क्रीम को मैंने 1 महीने तक यूज किया है और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पाँव जो है वो दोबारा बिल्कुल भी ना फटे हैं, ना मेरे पाँव के नीचे इन्फेक्शन दोबारा हुआ है, और ना ही मेरे क्रैक्स पड़े हैं। इसके बावजूद कि मैं सारा दिन तकरीबन चलती फिरती हूँ, पैर मेरे यूज में आते हैं, लेकिन रोजाना रात को सोने से पहले मैं अपने पैरों को बहुत अच्छे से वॉश करके तो ये क्रीम अप्लाई करती हूँ। तो आप रात को ये क्रीम अप्लाई करके इसकी थिक लेयर चाहें तो अप्लाई कर लें, उसको मसाज करके स्किन में अब्सॉर्ब करें, और उसके ऊपर से सॉक्स पहनना चाहें तो सॉक्स भी पहन सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मसाज करके इसको स्किन में अब्सॉर्ब करना है। तो आप देख सकते हैं मेरी हील्स भी इवन हो चुकी है, उस पे ना ड्राई स्किन है अब, और ना ही जो हार्ड स्किन है वो आपको नजर आ रही है। इसी तरह फिंगर्स जो है वो काफी हद तक क्योर हो चुकी है, और ये प्रोसेस जिनकी मेरी तरह ही फिंगर्स हैं वो अगर हफ्ते में 2 बार करेंगे तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और 2 बार अगर आप पूरा पेडिक्योर, स्क्रबिंग, मॉइस्चराइजिंग, मसाजिंग वगैरह कर लेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल हील हो जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपको दोबारा से बता दूं, आपने जो 3 स्टेप हैं वो हफ्ते में 2 बार फॉलो करने हैं। पाँव पानी में डिप करके रखने हैं, डेड स्किन को रिमूव करना है, फिर स्क्रबिंग करनी है, फिर मास्क या मसाज करना है, और उसके बाद आपने ये क्रीम अप्लाई करनी है। तो व्यूअर्स, इस सारे प्रोसेस को लाजमी ट्राई करें, और स्पेशली ये क्रीम आपके पैरों के मसाइल के लिए काफी इफेक्टिव होने वाली है। व्यूअर्स, इसके साथ ही वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग भी अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको इस क्रीम के क्या रिजल्ट्स मिले और इस तमाम प्रोसेस को फॉलो करने के क्या रिजल्ट्स मिले। तो व्यूअर्स, मुझे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स पर लाजमी फॉलो करें, और प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसे लाजमी प्रेस करें, और ये बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग टिप्स और रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, यंग एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।